सकता है क्योंकि कोई जो भी बुलाया गया था लाजमी जाएंगे। सर कौन बुला रहे हैं? बहुत मुल्क ऐसे हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, अपने सर अभी तो कोई भी नहीं बुला रहा है। एक तो खुददारी और दूसरी एहसास है। ओके। इंडिया खुद मैन्युफैक्चरर बन रहा है और वो अपनी खुददारी बढ़ा रहा है। और डिजिटल जो लिटरेसी है ये एकदम वैसी ही लिटरेसी है जैसी कि आपको क ख ग घ या अलिफ ब त से या एबीसीडी वाली लिटरेसी के लिए जो स्किल चाहिए। ये खास बात ये है कि अगर आप इलिटरेट भी हैं, आप अगर एबीसीडी भी नहीं जानते ना, क्योंकि कोई जो भी बुलाया गया था लाजमी जाएंगे। सर कौन बुला रहे हैं? बहुत मुल्क ऐसे हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, अपने सर अभी तो कोई भी नहीं बुला रहा अभी। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली G7 समिट जापान में कंप्लीट हुआ है, जहां इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। जब वहां नरेंद्र मोदी गए तो वहां यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन नरेंद्र मोदी से मिले और उनकी पॉपुलैरिटी और ब्रांडिंग को देखकर उनसे ऑटोग्राफ मांगा। और जैसे ही जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगा, वैसे ही ये एक बड़ी न्यूज बन गई, क्योंकि यूएसए एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और अगर ऐसे स्ट्रांग कंट्री के प्रेसिडेंट अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ऑटोग्राफ मांगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। हालांकि ये न्यूज जितनी बड़ी न्यूज इंडिया और वर्ल्ड के लिए नहीं बना, उससे बड़ा न्यूज ये पाकिस्तान में बन गया है, जहां पाकिस्तान के लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कंपेयर करके देख रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के पीएम से इंडिया के पीएम की कोई कंपेयर बन ही नहीं सकती, क्योंकि आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे खड़ा है तो दूसरी तरफ इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है। पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पाकिस्तान के लोगों को अभी भी ये लगता है कि ये 1947 का टाइम है जहां पे पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया को ज्यादा वैल्यू मिल रहा है और पाकिस्तान को कम वैल्यू मिल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जापान में हिरोशिमा में G7 की समिट चल रही है, जिसमें इंडिया को भी इनविटेशन दी गई है। और एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया और ये भी कहा कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, अगर हम इस बात का बैकग्राउंड देखें कि ये बात क्यों बोली गई, तो ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि नेक्स्ट मंथ नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट करने वाले हैं, अमेरिका का। और जो बाइडेन ने ये बोला कि हमारे पास जो स्टेडियम है उसमें मुझे लगता है कि जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही हैं, जब आप विजिट करेंगे तो मुझे लगता है वहाँ पर लोग पूरे नहीं आने वाले। इस पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने भी मेंशन किया कि जब मैंने गुजरात का विजिट किया था 93,000 वहाँ पर लोगों ने ज्वाइन किया था, बहुत भारी मकदार में वहाँ पर लोग प्रेजेंट थे, नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा फैंस थे। इसी बारे में आज पाकिस्तानी आवाम को बताने वाले हैं कि जो बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दिया वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए तो हमें ये शर्फ अभी तक हासिल क्यों नहीं हो रहा, इंटरनेशनल मीटिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त क्यों पीछे रखा जा रहा है या क्यों इनवाइट नहीं किया जा रहा। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या राय रखती है। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। G7 के हवाले से मैं कुछ आपको बताता चलूं कि ये कोई 7 ممالک हैं डेवलप कंट्रीज, जिनमें कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, फ्रांस है, इटली, जापान, इस तरह के कुछ ممالک हैं जो अपने बर्निंग इशूज पे बात करते हैं और अपनी इकॉनमी पे, अपने कोई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे। एक उनका अल्टीमेट पर्पस है कि फ्रैंकनेस माहौल में, फेयरली माहौल में आगे बढ़ा जाए। उनमें वो 1976 से इसका आगाज हुआ, 1977 में उन्होंने यूरोपीय यूनियन को भी इनवाइट कर लिया। उसके बाद चंद कंट्रीज हैं जिस तरह इंडिया है, पोलैंड है, और अफ्रीकन जो है यूनियंस, उनको भी वो इनवाइट करते हैं। आपका सवाल ये है कि उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट किया और नेक्स्ट मंथ जो है वो नरेंद्र मोदी यूएस का भी विजिट करने वाले हैं, और जो बाइडेन ने ये बोला कि हमारा जो यहाँ पे स्टेडियम है, मुझे इतनी एप्लीकेशंस आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि हमारे स्टेडियम में जगह नहीं रहेगी, इतने लोग आएंगे आपको देखने के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो बाइडेन खुद कह रहे हैं सुपर पावर जिसके हाथ में है, जो बाइडेन के हाथ में है, वो खुद उनको प्रेस करें। अगर हम अपने लीडर्स की बात करें तो हमारे लीडर्स को इंटरनेशनल मीटिंग्स में इस वक्त इन्वाइट भी नहीं किया जा रहा, किस तरीके से कंपेरिजन होगा? देखिए, पाकिस्तान सबसे बड़ा जो ख़रीदार है वो इन्हीं ममालिक का है। आप ये टोयोटा करोला को देख लें, सुजुकी, ये हम सब जापान से मंगवाते हैं, ज़्यादातर हम अमेरिका से मंगवाते हैं, यूरोपीय यूनियन से, हम सब कुछ वैसे ही मंगवाते हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि दो इसके बेसिक फार्मूला है, एक तो खुददारी
और दूसरी एहसास है। इंडिया खुद मैन्युफैक्चरर बन रहा है और वो अपनी खुददारी बढ़ा रहा है, मेड इन इंडिया बढ़ा रहा है, हम मेड इन पाकिस्तान नहीं बढ़ा रहे। इसका मतलब है गूगल भी वहीं पे आ गया इंडिया में, बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया में आ रहे हैं और वो किसी पे डिपेंडेंस जो है कम कर रहा है, हम डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है उन लोगों को हमारे मिनिस्टर्स पर, हमारी गवर्नमेंट पर कोई ट्रस्ट नहीं है। इवन आवाम ने इन मिनिस्टर्स पे, इन लीडर्स पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है और जो मौजूदा हुकूमत है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट मेरे ख्याल में है, क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं जरदारी साहब, नो डाउट बहुत बड़े लीडर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये बड़े लीडरान हैं। अगर मैं मतलब गैर जानबदार होकर बात करूँ, लेकिन अगर ये एहसास कर लेना थोड़ा सा कि हम मुल्क को कौम के लिए क्या कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क हो जाए। लॉ एंड इन्फोर्समेंट सिचुएशन इंडिया की पाकिस्तान से भी बदतर है, लेकिन फिर वो इंडिया को क्यों तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि उनकी खुददारी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की, जीडीपी आगे इंडिया का, इसका मतलब है इंडिया जो है वो अपनी इकानमी को बूस्ट कर रहा है। अवाम ने जो इन लीडरान पर ट्रस्ट किया है, मैं इन पर तनकीद नहीं कर रहा, मैंने ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बड़ा है इस्लाम के नाम पे, और इसका मतलब ये है कि हाकमियत आला मेरे अल्लाह के हाथ में है। इन्हें थोड़ा एहसास कर लेना चाहिए कि वो जो कुर्सी देता है वो भी ले भी सकता है। अवाम के लिए कुछ करें, खुददारी बढ़ाएं जिस तरह इंडिया ने बढ़ाई है। अब सारे कंट्रीज इंडिया के पीछे हैं, पाकिस्तान के पीछे इसलिए नहीं है कि उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि ये अवाम से ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। सबसे पहली बात कि उनका जो मीडिया है वो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करता है, वो अपनी छोटी सी उनकी कोई चैरिटी भी हो वो बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी करने वाले मुल्क हैं, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। चैरिटी लेने वाले या चैरिटी देने वाले? चैरिटी देने वाले भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, लोग, नॉट गवर्नमेंट। जी जी, आप ठीक कहती हैं। दूसरा उनका ये है कि जो मोदी साहब हैं वो इकोनॉमिक पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। उनकी हर गवर्नमेंट का ये गोल होता है कि इकोनॉमिक्स जो है बढ़े, जीडीपी बढ़े, R&D डेवलपमेंट उनका जो प्रोग्राम है, मैं उनको स्पेशल सलूट करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे जो R&D है वो तो बड़ा नाम है मैडम, ब्यूरोक्रेट से आप बात करके तो देख लें, R&D का सोचते भी नहीं। और ये चारों तरफ जो डिपेंडेंस है उन्हीं ममालिक पे हैं। पंजाबी में कहावत है ना, जिनके घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। हमारे घर तो ये मतलब ये खुदारी है ही नहीं, मेड इन है ही नहीं, उन्हें पता है ये बेकारी हैं, ये लोन लेकर वापस ही नहीं करते, इनको हम फंड देते हैं तरक्याती नाम पे ये खुद खा जाते हैं, जलजला के नाम पे ये खुद खा जाते हैं। तनकी से हट कर अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सबसे पावरफुल गवर्नमेंट ये है, इन्हें चाहिए एहसास करे, खुददारी बढ़ाए। सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास आबादी का है, नौजवान नस्ल का है, यंग जनरेशन को काम पे लगाए, मेड इन पाकिस्तान बढ़ाए, और ये देखे ये ममालिक हमारे पीछे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 2000 का नोट बंद किया, मतलब उसको रीमोनिटाइज किया है, आप जाके चेंज करा लें छोटे करेंसी में, छोटे बिल्स में आपको मिल जाएगा, सितंबर तक है। देखिए ऐसा है ना कि ये अच्छी चीज है, ये जो होल्डर्स है ना, ये जिन्होंने 2000 के नोट्स को होल्ड करके और फिर से ये फेक करेंसी और इस पे आने लगे थे, क्योंकि जब इंडिया, जब मोदी जी ने ये किया था रीमोनिटाइजेशन जो पिछली बार किया था 2019 में, तो उसमें ना मोदी जी की बहुत, कई लोग जो तारीफ भी किए थे कि एक डीमोनेटाइजेशन अच्छा कदम है, उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि आपने 2000 रुपए का इतना बड़ा बिल क्यों लेके आए, क्योंकि ना कोई अगर मान लीजिए ब्लैक मार्केटिंग करता है और उसको अगर 150 के नोट इकट्ठे करने हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है उतना बड़ा नोट का जखीरा कलेक्ट करने में, तो इसलिए लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई जो काम 500 का, यानी कि 500 के चार नोट चाहिए 2000 करने के लिए, अब आप एक नोट से काम चला सकते हैं। ये वाला नोट इन्होंने इसलिए बंद किया, जो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये सेटल नहीं होना चाहते, जो होने देना चाहते, जो कि इस तरीके के शैडो इकोनॉमी को क्रिएट करते हैं या फेक करेंसी के उसको क्रिएट करते हैं। प्लस जितनी तेजी से इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ गया है, जितनी तेजी से करेंसी में जो एक्सचेंज हो रहा है, वो आज आपको पता होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया चाइना से भी बहुत कदम आ गया है,
और जब ये डिजिटलाइजेशन और पेमेंट शुरू हुई थी इंडिया में लोग मजाक उड़ाते थे कि आप ये नोटबंदी कर दिए और ये सोचे हो कि हम डिजिटल पेमेंट से इंडिया को चला देंगे। आज आप वाकई विश्वास नहीं करेंगी, मैं जानता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, आज हमारे यहाँ क्या होता है कई बार ना गांव ये गाय वाले पे आ जाते हैं, गाय के नाम पे पैसा निकले तो गाय लेके आते हैं, उनके ना यहाँ पे वो लगा रहता है क्या नाम है क्यूआर कोड, वो क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए गाय वाले को पैसा मिल जाएगा। और छोड़िए वो जो आते हैं हमारे यहाँ पे ना वो हरे रंग का चादर लेकर के और बोलते हैं कि वो दे दीजिए चंदा दे दीजिए, कोई मस्जिद बनाना है कोई वो बनाना है, हमारे यहाँ हर जगह उनको हिंदू मुसलमान सब देते हैं, तो वो भी क्यूआर कोड लेके चल रहे हैं। तो ये एक चेंज है, देखिए इसको आप ना क्यूआर कोड को मजाक मत समझिए, जानती है एक इंसान को साक्षर बनाने में डिजिटल मतलब लिटरेट बनाने में, यानी कि वो क ख ग घ पढ़ ले या अलिफ बे ते से पढ़ ले, अलिफ बे ते से लिख ले और काउंट कर ले, कम से कम 4-5 साल लगते हैं। और डिजिटल जो लिटरेसी है ये एकदम वैसी ही लिटरेसी है जैसी कि आपको क ख ग घ या अलिफ बे ते से या एबीसीडी वाली लिटरेसी के लिए जो स्किल चाहिए। ये खास बात ये है कि अगर आप इलिटरेट भी हैं, आप अगर एबीसीडी भी नहीं जानते, ये बटन ऑपरेट करके ये लोग ये कर ले रहे हैं कि पेमेंट इधर उधर कर ले रहे हैं। दिस इज अ बिग, दिस इज एज गुड एज योर ये वाली लिटरेसी है जिसको कि आप एबीसीडी या दूसरी लिटरेसी कहते हैं। आज की डेट में आपका लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी से गवर्न होता है, न कि इस टाइप की लिटरेसी से, क्योंकि आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है रिभा जी, जब आप अपने या शैला जी जब आप लोग अपने यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही होंगी तो आपने जो प्रोजेक्ट स्कूल अपने कॉलेजेस में जमा किए होंगे वो सारे के सारे टाइप्ड होते होंगे, कंप्यूटर पे प्रिंटेड हाथ से लिखे हुए प्रोजेक्ट आपने नहीं किए होंगे। तो आज में डिजिटल लिटरेसी ही आगे बढ़ रही है, आपको लिखने ना आता हो मगर आपको टाइप करने आना चाहिए। तो इंडिया में इतनी तेजी से डिजिटल लिटरेसी बढ़ी, इतनी तेजी से कि जो अनपढ़ भी हैं वो भी डिजिटली अपना ट्रांजैक्शन पैसा इधर उधर कर लेते हैं, भाई इतना आसान बना दिया है। मतलब मैं बता रहा हूँ जब मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं वॉलेट लेके ही नहीं चलता, आदत ही नहीं है। मैं जब यूरोप आया था 2021 में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी शुरू में यूरोप में एडजस्ट होने में, क्योंकि जर्मनी में आज भी हमेशा करेंसी पे उनका पता नहीं पैसों उनका कागज से क्या प्यार है, वो करेंसी में ही ट्रांजेक्शन करते थे और मुझे आदत ही नहीं थी करेंसी रखने की। हम लोग बस मोबाइल लेके घूम रहे हैं, कहीं भी गए खरीद लिया सामान, कहीं भी मतलब आपको पर्स लेके चलने की जरूरत है। आप कौन, आप एक रुपए की चीज, पहले तो ये भी होता था ना हमारे यहाँ क्या शुरू हो गया था, मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, 96 रुपए का सामान खरीदा या 92 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए का नोट दे दिया, तो ये साले दुकानदार क्या करते थे, 5-8 रुपए की टॉफी पकड़ा देते थे आपको। अब 8 टॉफी ले लें आप, अरे भाई नहीं खानी टॉफी हमें, तो नहीं अब आप टॉफी ले लें, वो जबरदस्ती चुंगम चिपका देगा, कभी आपको टॉफी चिपका देगा, यार हैरान हो जाते थे हम लोग कि भाई पैसे वापस कर यार, अब वो लड़ाई झगड़ा करो वहां पे। ये छोड़िए सिनेमा हॉल वाले भी टॉफी देने लगे थे, मतलब ये एक एक तरीके से माफिया बन गया था कि आप सिनेमा हॉल में टिकट लेने जाएं, आप 500 का नोट पकड़ा है। पहले हमारे से सोच हमारे से बेहतर हो, बेहतर हो गई है, अब हम इंडिया जैसे पहले हमारे से डरता था, लेकिन अब हमारी गलती हमारे हुक्मरानों की गलतियों की वजह से ना हमारे पे हैवी हो गया। कब की बात है जब इंडिया डरता था, मतलब आप तकरीबन ये लगा ले संतों में याद नहीं, इनके जिया के दौर की लगा ले, जिया के दौर से हमारी करेंसी भी ज्यादा थी, करेंसी भी ज्यादा थी हमारी, हमारी ताकत भी थी, हर चीज थी माशाल्लाह, हमारा अच्छा खासा नाम था। और देखें मुशर्रफ साहब जब आए थे उन्होंने पता है मुक्का दिखाया था और वहाँ पे चले भी गए थे, और वहाँ पे जाकर उन्होंने स्टे किया था इंडिया में। असल में ये है देखें मेरी बात, कारगिल वार हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, वो कौन जीता था? कारगिल वार में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने वहाँ पे मतलब के वहाँ पे अपनी ना फोर्स चली गई थी और वहाँ पे अपना मिशन वो कामयाब होने वाला था, जिस वजह से हुआ गया, किसी वजह से हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी गलती की और हमारे बहुत से आर्मी के अफसरान जवान वो शहीद हो गए उस प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह से। बाद रिपोर्ट आई, पाकिस्तान मीडिया हो इंटरनेशनल मीडिया हो, वो ये कहते नजर आए कि वो तो मुजाहिदीन थे जो कारगिल वार में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, वो मतलब फौज के बंदों के अलावा फोर्सेस के अलावा मुजाहिदीन भी थे। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, वो प्योरली आर्मी ही थी, वहाँ पे आर्मी ही थी, फौज भी शामिल थी, मुजाहिदीन भी थे, लेकिन उस हमने हमारी फौज ने कभी अच्छी कारदगर्दी दिखाई कि हमने कारगिल पे चले गए, लेकिन हमारे जो नवाज शरीफ साहब थे इन्होंने अपनी कमजोरी समझ ले या न्याली समझ ले कुछ भी समझ ले, इनकी वजह से ना पार्टी भी समझ ले, इनकी वजह से ना हम इन्होंने दबाव दिया, पीछे आई हमारी फौज काफ़ी हद तक, काफ़ी मतलब कई कभी शहीद हो गए हमारे। 1971 आपने बोला, उससे पहले डरते 1971 की जंग कौन जीता था?
71 की जंग हम ही जीते थे। हम हार गए थे 71 की जंग, सन 65 की जंग हम जीते थे और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। खैर अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम कैसे डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं, देखें ये चीज़ें हैं, रोज़ एक ही बात करते हैं, मकसद एक ही होता है कि किसी तरीके पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, किसी तरीके पाकिस्तान के लोगों को रियलिटी का पता चले, ये दुश्मनी वाले कंसेप्ट को, नफरत वाले कंसेप्ट को ख़त्म करके दोस्ती और बेहतर जो रिलेशन हैं उनकी तरफ आने की हम बात करें। क्या समझते हैं कैसे डेवलपमेंट आ सकती है या आ ही नहीं सकती, हम ऐसे ही लगे रहे? ऐसी बात नहीं है, नहीं आ सकती, ऐसी बात नहीं, हमारे अंदर हमारी टैलेंट है हमारे मुल्क में ऐसी बात, लेकिन ये हुक्मरान जो है ना हमारे सियासी लोग, ये अगर आपस में जो झगड़ते हैं ना, ये आपस में एक होके बैठे। ये भारत का एक दुर्भाग्य ये है रिबाहा जी और शैला जी, हालांकि आप दोनों लोग को देख के तो मेरा जो उम्मीद है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है कि भारत डेमोक्रेसी का मतलब देखिए एक आइडिया है कि इंसान इक्वल होता है, मर्द औरत समान होते हैं और जात पात धर्म ये सब चीजें इंसान का पर्सनल मैटर है, इनसे वो अपने कंडक्ट को तो कर सकता है गवर्न, लेकिन समाज को वो ऐसे नहीं देखेगा। तो एक डेमोक्रेसी एक फ्री सोसाइटी कि इंसान है तो हमें जी लेने दो, अपने हिसाब से हमारी जिंदगी जी लेने दो, जो हम सोचते हैं वैसे जी लेने दो, वरना कोई आपको ये बताएगा कि तुम लड़की हो तो बुर्का पहन के घर में बैठ जाओ, तुम लड़की हो तो या कास्ट के नाम पे तुम ये इस वाले से शादी नहीं कर सकती हो, लड़की हो तो खाना बनाओ, ये सब टाइप की चीज, तुम छोटी कास्ट के हो तो यहाँ पे पूजे में मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते, या इस टाइप की जो घटिया चीजें फीलिंग्स है लोगों के अंदर या जो ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, डेमोक्रेसी इन सब से इंसान को छुट्टी दिलाता है। डेमोक्रेसी इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट बनाता है। देखिए रिलीजन कम्युनिटी का, जैसे मुसलमान इंडिविजुअलिटी का नाम नहीं होगा, मुसलमान हमेशा एक कम्युनिटी का नाम होगा, उस कम्युनिटी में अगर आप इस्लाम के नाम धर्म के नाम पे आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म रहना चाहिए। लेकिन जब ह्यूमन राइट्स का आता है ना कॉन्सेप्ट, तो वो इंडिविजुअल की बात करता है कि वो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, रिबाहा इंपॉर्टेंट है, शैला इंपॉर्टेंट है, अभिषेक इंपॉर्टेंट है, हम सब अपनी जिंदगी को फ्रीली जी सके, अपने हिसाब से जी सके, क्योंकि आपको ना कोई भी अगर जैसे हमारे यहाँ जात पात के नाम पे कोई बता रहा है कि भाई इसमें जाति में वो ना करो, वो बेसिकली अपनी फीलिंग आपको जात पात के नाम पे बता रहा होता है, समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से कोई आपको जब रिलीजन का चूरन बचा रहा होता है तो वो अपनी फीलिंग जो है ना आपको रिलीजन के नाम पे चटा रहा होता है, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। तो फ्री सोसाइटी एक ड्रीम है जहां पे कि हम पैदा हुए हैं 70-80 साल में मर जाएंगे, जो इच्छा है अपनी आप अपनी जिंदगी से भरपूर पाने की, आप हैं एक अच्छी सक्सेसफुल यूट्यूबर है, शैला जी हैं एक अच्छी सक्सेसफुल यूट्यूबर है, कमेंटेटर है, एनालिस्ट है, आप दोनों लोग जो है वो रोल मॉडल है लड़कियों के लिए, रोल मॉडल है आप दोनों लोग, आप तो सेल्फ मेड हो, इस समाज में उठ खड़ी हुई हो जहाँ पे कि लड़कियों को आगे नहीं आने देना चाहते आप अपने exactly. मैं जानता हूँ कि शैला जी ने इतनी एडवर्सिटी, वो एक समय बुरके में आती जाती थी कॉलेज, इतना उनका करेज, इतनी थॉट प्रोसेस को इतने बड़े पटल पे रखना, इतनी बेबाकी से रखना, ये बहुत, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, शैला जी कर रही हैं आने वाले लड़कियों के लिए, आप हो गई रिबाहा जी, कितना कुछ आपने फेस किया समाज में, उसके बाद भी आप अपने काम को आगे कर रही हैं, आज आप सिर्फ अपनी बात नहीं करती, आप दो कम्युनिटियों को, दो देशों को भी साथ में ला रही हैं, अपने घर के भी देखभाल कर रही है, मुझे पता है कि आपके पिताजी की किडनी फेल हो गई है और आपको कितना परेशानी झेलना पड़ता है, शैला जी को मुझे पता है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये सब बोलने के लिए, उनके ऊपर क्या क्या बीतती है आप लोगों के ऊपर, फिर भी आप कर रहे हैं ना, ये आप क्या लड़की है तो ये आप लड़की कर सकती है ये, तो किसी भी इंसान को लड़का लड़की में मत बांटो, एक इंसान को इंसान रहने दो, एक सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, एक जेंडर की आइडेंटिटी होती है, तो आप सेक्सुअलाइज मेन और वुमेन में डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर जेंडर में मेन और वुमेन सेम है, क्या दिक्कत है भाई, मेन और वुमेन दोनों की क्या आप दिमागी रूप से, एनीवेज मेरा मानना है कि मर्द और औरत में कोई नहीं है, दोनों आधे आधे, आधा मर्द है इंसानियत का, आधी औरत है इंसान, ना कोई कमतर है ना कोई जातर है। तो ये जो मोदी, जो इंडिया का दुर्भाग्य ये है ना कि हम फ्री सोसाइटी के वो मतलब कह लें समर्थक हैं और हम घिरे हुए हैं उस समाज से जो फ्री सोसाइटी में विश्वास नहीं रखता।
अनफॉर्चुनेटली उसमें आप भी शामिल हैं और चाइना भी शामिल है। ये क्लोज सोसाइटीज हैं, ये एक नैरेटिव को, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक नैरेटिव को, चाइना जो है वो कम्युनिस्ट नैरेटिव को वो सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिस्कशन डिबेट में यकीन ही नहीं करते, एक ही थ्योरी सही है बाकी सब थ्योरी गलत है, ये उनकी पोजीशन है। चाइना का पोजीशन ये है कि 3000 साल पहले कोई चाइनीज अगर घूमते घूमते किसी कंट्री में एक दिन भैया चला गया, वहां वो दो दिन सो गया, तो अब वो चाइनीज टेरिटरी हो गई। तो मतलब कभी सारी टेरिटरी चाइना की है, बाकी देश की कोई टेरिटरी है नहीं है। तो ये उनका कोई 3000 साल पुराना मैप है, वो मैप को लाके दिखा देंगे, ये मैप में देखिए हमारा यहाँ पे एक आदमी आया हुआ था, वो आपके यहाँ गया था। हम तो ये इंतजार कर रहे हैं किस दिन वो कह दें कि बनारस भी चाइना के किसी चिंगचोंग प्रोविंस का ही पार्ट था, वो भी ले जाए भैया। हम सो के उठे तो इंडियन, अरे सो रहे हो तो इंडियन, उठे तो पता चला भाई चाइनीज हो गए, आज से हमारी जो कैपिटल है बीजिंग है, ये चाइना की पॉलिसी है। तो वो लद्दाख भी उनका है, लद्दाख वाले कह रहे हम तुम्हारे नहीं है। नेहरू जी ने इतनी ब्लंडर की थी कि तिब्बत कहता था हम इंडिया के पार्ट बनना चाहते हैं, तिब्बत कहता था हम इंडिया के पार्ट। आपको शायद नहीं पता तिब्बत में जो लिपि यूज होती है ना देवनागरी यूज होती है, जो दलाई लामा है ना वो कहते हैं भारत हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि बुद्धिज्म देने वाला दुनिया को भारत है, तो इसलिए वो चाइना को बर्दाश्त नहीं होता। तो चाइना जो है वो इंडिया को हमेशा एक बैड लाइट में दिखाता है। वो उसका रीजन ये है कि चाइना अगर ये दिखा दे कि इंडिया डेमोक्रेसी के साथ एकदम फ्रीडम के साथ इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम के साथ तरक्की कर रहा है, तो फिर उनके लोग उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें ये फ्रीडम क्यों नहीं दी जा रही है, हमें क्यों एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जिंदा रखा जा रहा है। इसलिए वो हमेशा इंडिया को डिमोनाइज करते हैं, इसलिए वो इंडिया की टेरिटरी पे हमेशा अपना ये बताते हैं कि लद्दाख भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है, सिक्किम भी हमारा है, सब कुछ उनके ही है। हम बताते रहे एक दिन गाजियाबाद का नाम जो है वो शंघाई बात कर देंगे, वो उस दिन हमारा खेल खत्म हो जाएगा भैया, हम चाइनीज बन जाएंगे। ये तो उनकी हालचाल है। आपने भी और हमारी मदद की हुई है कि कश्मीर आप इंडिया के कश्मीर के लिए आप सारा दिन दुबले हुए जा रहे हैं, रिभा जी को छोड़ के सारा पाकिस्तान दुबला हुआ जा रहा है, लेकिन आप ये देख लें कि भाई आप चाइना, ये जो कश्मीर की जो टेरिटरी है वो आपने दे रखी है चाइना को, इतना आप अपनी टेरिटरी कश्मीर को मानते हैं तो आप चाइना को कैसे दे दिया कश्मीर आपने? आपने भी तो हमारी जिंदगी शहरग आपकी कश्मीर है, मगर आपने हमारी पकड़ ली है, यहाँ से जीने ही नहीं देना भैया। तो इंडिया इसलिए उन्होंने कश्मीर, उन्होंने यही कहा है तिब्बत लद्दाख के ऊपर मोदी जी ने कि भाई ऐसा है कि ये आपका नॉनसेंस नहीं चलेगा, यदि आप मिलिट्री मिस एडवेंचर करेंगे तो आपको इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। आप क्योंकि मोदी साहब के पीछे इसलिए क्योंकि उनका R&D मजबूत है, वो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, वो इकॉनमी पे काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि हमारी जो जमहूरियत है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हमारा वो मजाक बनाते हैं कि आपके तो पायलट PIA के जहाज बाहर के ममालिक में बेच कर आ जाते हैं, आपकी तो इदारे भी मजबूत नहीं है, जमहूरियत तो बड़ी दूर की बात है, ये वजह है सर। पाकिस्तान लिटरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, बिल्कुल ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक इस्लामी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ कहाँ पे डेमोक्रेसी नजर आ रही है? देखिए जो असेंबली में बैठे हैं हमारे वोटों से भी बैठे हैं, हम आवाम उन्हें सिलेक्ट करती है, वोट देती है, इसलिए तो वो असेंबली में बैठे हैं। ओके सर, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कब उस स्टेज पर पहुंचेगा जब हमें भी इंटरनेशनल इनविटेशंस मिले, जब हम भी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी लोग ये बोलें कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए या यू आर टू फेमस इन द वर्ल्ड? वो यहाँ पे एक मैं शेयर कोट करूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जो ईगल होता है ना जी, उसको बारिश पसंद नहीं होती, जिस वक्त बारिश होती है ना वो बादलों से ऊपर चला जाता है। हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स मैं फिर कहूँगा यंग जनरेशन है, इनको काम पे लगाएं। ये यंग जनरेशन तो सर पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ कर चला गया पढ़ा लिखा नौजवान। नहीं नहीं माशाल्लाह अभी भी 8 करोड़ नौजवान बाकी हैं, कोई मसला नहीं, अगर करोड़ भी चला जाए तो कोई इशू नहीं, पाकिस्तान में आबादी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जितने जाते हैं उससे 10 गुना नए आ जाते हैं, वो आप परेशान ना हो, लेकिन जो हैं वक्त हमेशा इंसान के हाथ में रहता है, वो जब चाहे अपनी कदर और इकदार को बदल सकता है। ये कहावत है मेरे एक प्रोफेसर साहब हैं, मज़ाहिर अकबर गवर्नमेंट कॉलेज झंग के,
उनकी इस कहावत की वाजह सबूत KFC वाला बाबा है जिसने 65 साल की उम्र के बाद इतना नाम कमाया है। ठीक है ना, वक्त हमेशा इंसान के स्टेट के हाथ में रहता है। आप भी चाहें, आप देखें ना, चारों तरफ नौजवानों को कोई रिएक्शन ही नहीं है, ना उन्हें रोजगार मिलता है। क्यों? उन्हें लगाया ना काम पे, ये रिसर्च है, यहाँ पे रिसर्च करें, अपना हुनर सीखें और बेचें। कोई है? ये बेटियाँ रो रही हैं, सारों को पता नहीं है, बहनें बेटियाँ जब जॉब के लिए जाती हैं तो उनका CEO उनसे क्या क्या बात मनवाता है, ये इनकी आंखें नहीं खुलती। अब गैरत पैदा करें और नौजवान नस्ल को काम पे लगाएं, खुददारी बढ़ाएं, मेड इन पाकिस्तान बढ़ाएं, ये दुनिया हमें सलूट करेगी। स्ट्रॉन्गली एग्री। आपने स्पेशली जो लड़कियों की बात की है, आपने बेसिकली इशारा किया हैरेसमेंट पे, जिससे मैं भी एग्री करती हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर, और वो सिर्फ एक इदारे में नहीं, कि अगर हम एक इदारे को मेंशन करें कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है, हर इदारे में ही ऐसा हो रहा है। पर्सनली मैं खुद भी इस चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर हमें औरत की इज्जत ही नहीं करना आ रहा? जी मैडम, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि बहनें बेटियाँ, देखें कुछ लड़कियों के भाई नहीं होते, कुछ लड़कियों के पेरेंट्स जिंदा नहीं होते, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर जब वो जॉब करने जाती हैं तो उनसे वो बातें मनवाई जाती हैं और मजबूरन फिर वो इस रास्ते पे चल निकलती हैं। और हमारे जो बड़े हैं, आप देखें जो सरबराहान हैं, उन्हें चाहिए इसका सदबाब करें, मीडिया को चाहिए इसके सदबाब करें, औरत की ट्रेनिंग के लिए, सिखलाई के लिए, उसकी एम्पावरमेंट के लिए कोई इदारा है? आप बताएं, कोई इदारा भी नहीं है, और उसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं निकाल रहा। और वो बेचारी मारी मारी इनके पास जाती है और वो उसे हरासमेंट करके, औरत जब बिगड़ती है ना तो पूरा मुआशरा बिगड़ता है। आप हमारे अदालतों में आके देखें, आए रोज इतनी तलाकें, हम तलाक का केस लेकर हमारे हाथ पांव कांप जाते हैं कि हंसता मुस्कुराता घर जो है ना तबाह हो रहा है, और सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत जो है लड़कियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस सामने आते होंगे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सिखाया जाता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो भी रहा है तो तब भी इसी मुआशरे में सरवाइव करो, क्योंकि सोसाइटी जो है वो तलाक याफ्ता औरत को एक्सेप्ट नहीं करती। या इस बात से आप एग्री करते हैं? इसके ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस्लाम खुली आज़ादी एक ख़ास हद तक देता है कि ये करो मगर हाथ से तजावज़ ना करो, ये करो मगर हाथ से तजावज़ ना करो। आप देखें हर इदारा, हर मदरसा अपने महदूद करके बैठा है। आप नमाज़ पढ़ने जाए ना, जमात के घंटा बाद मस्जिद को ताला लग जाता है। क्यों यार? वो कमेटी ने कहा हुआ है ये हमारी मस्जिद है, वह लिखा होता है ये हमारी मस्जिद है। आप इदारे पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने कहा होता है कि हमारे मनपसंद लोग इधर आएं, बाकी बैठ जाएं। तो ये नौजवान नस्ल क्या करे, वो किधर जाए? उन्होंने पेट से भरना है, पेट भरने के लिए वो गुनाह करते हैं। तो इसके लिए हम सबको मेल करना वेमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि वेमेन जब अच्छी होगी, वो कहते हैं ना मुझे बेहतरीन मैं दो, मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा। हम हमेशा ये बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करना चाहिए, मर्दों की तालीम पर भी काम करना चाहिए। हम लोग हमेशा कहते हैं कि औरत पर हमें फोकस करना चाहिए, उसके बरक्स मैं कहती हूँ कि आपको मर्द पर भी फोकस करना चाहिए। मर्दों को भी पता होना चाहिए हाउ टू ट्रीट अ वुमेन। अगर आपके मर्द ही जाहिल गवार हैं, आपको लगता है कि वो मर्द अपनी बेटी को आगे बढ़ा पाएगा? आपको लगता है ये बात? तो मर्दों की तालीम भी उतनी ही मैटर करती है। जो तालीम है ना वो हमारे मुल्क में जीरो है, जो MPhil PhD है ना ये ज़ीरो है। ये हमें मॉरेलिटी नहीं सिखाती, ये हमें एथिक्स नहीं सिखाती, ये हमें R&D नहीं सिखाती, ये हमें सब्र नहीं सिखाती, ये हमें शुक्र नहीं सिखाती, ये हमें साइंस नहीं सिखाती, ये हमें तहमल नहीं सिखाती। तो मेरा नहीं ख्याल, आप 16 साल पढ़ने के बाद आपको क्या आता है? कुछ आता है ना? ड्राइविंग, ना शूटिंग, ना मकैनिकल, ना फिजिक्स, ना मेडिकल, कुछ आता है? कुछ भी नहीं आता। ये तालीम है ही नहीं, ये ज़ीरो है। ये सिर्फ बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए एक चार्मिंग फील्ड है, इंडस्ट्री है, जो आपके सामने सारे अरबों कमा रहे हैं, लेकिन तालीम नहीं है, पहली बात। और दूसरी ये है, आप इसे तालीम ना कहें, इसे ट्रेनिंग कहें। सही बात।
बहुत बुरा अमल है हमारे। एक एक न्यूज जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, दुनिया के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर भी वायरल हो रही है, सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसका प्राइम मिनिस्टर अभी जो करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं कुपवाड़ा के अंदर सर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पाँव को हाथ लगा के उनका इस्तकबाल किया और गले लगाया है सर। पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हमें देखने को मिला, पाकिस्तान की हिस्ट्री कभी ऐसा कुछ गले तक वो सही से नहीं लगाते सर। इंडिया में गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, एस जय शंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ तक नहीं मिलाया, बाकी सबसे मिलाया था, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलाया सर। ऐसा क्यों है, उनको इतनी इज्जत मिलती है हमें क्यों नहीं मिलती? जब हम अपनी इज्जत घर से नहीं ना करेंगे तो बाहर से हमारी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। घर से इज्जत पहले मिलती है फिर बाहर से मिलती है। आपको क्या लगता है कि घर से इज्जत कैसे मिलनी चाहिए और कैसे नहीं मिल रही? आवाम का दिल जीत, और कोई हल नहीं है। क्या उन्होंने अपनी आवाम का दिल जीता है? हाँ जीता हुआ है। कैसे? कुछ एक्सप्लेन कर, डेट किया हुआ है, इतनी चीजें लाइक की अपनी एक आईटी की जो है ना, आईटी वर्ल्ड में नंबर वन आने वाली है, वो प्रमोट करते हैं, और हमारे इधर क्या कौन किसे प्रमोट करता है? सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं उनका जो रेवेन्यू आता है उसका 30% टैक्स कटता है, मेरा भी कटता है, सबका कटता है सर। उस टैक्स का कभी भी कोई लिस्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर आई कि वो टैक्स कहाँ जाता है सर। इंडिया के कल ही मैंने देखा कि 10,000 करोड़ उनका GDP में इंडिया की गया है यूट्यूबर्स के टैक्सेस का, हमारे टैक्सेस कितने हैं सवाल है? टैक्स खाए जाते हैं बस सर, कभी नहीं आया। जो टैक्स हमें बिल में लगता है वो किधर जाता है? सही बात है। जो टैक्स हमें माचिस के डब्बे पे लगता है वो किधर जाता है? टैक्स पेयर नहीं है, फिर भी टैक्स पेयर नहीं है, और हर चीज पे टैक्स भी देते हैं, फ्यूल पे हम देते हैं, लाइट पे हम देते हैं, गैस पे हम देते हैं, अपने मीटर का हम किराया देते हैं। सही बात है। तो हमारा यही हाल रहना है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? अल्लाह पाकिस्तानी फरमाए। थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। करते क्या है? मैथ्स टीचिंग। बिल्कुल सही सर। अभी जो सिनेरियोस चल रहे हैं पाकिस्तान के, आपको लगता है करंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनकी किसी भी कंट्री के अंदर इज्जत होगी या करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर है वो करते होंगे? सर आपका नाम? अमाद हसन। करते क्या है? मैं मोबाइल का काम। बिल्कुल सही माशाल्लाह सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या कोई कंट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करता है? या हिस्ट्री की भी बात करें, क्या वैसा इस्तकबाल कभी किसी एक प्राइम मिनिस्टर को मिला है जैसा कि हम डिजर्व करते हैं या हमारी कोशिशें होती हैं? हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक हमारा तो किसी ने सोचा ही नहीं, जो भी आता है उसे बस जस्ट अपना है। एक चीज़ हम पहले जो लेके जाते थे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, आज उसका रेट 150 है, कोई पूछने वाला ही नहीं, इन सब को बस अपने काम से है। और हमारे से सिविलियन से कोई मतलब ही नहीं है, आवाम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप की है। सर आज अगर देखें तो सारे जो मुमालिक हैं मुस्लिम बरादरान स्पेशली बात करेंगे तो उन्होंने वैसे पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया है, क्या वजूहात लगती है? क्या उन्हें ट्रस्ट खत्म हो गया है? क्या उन्हें यकीन आ गया कि पाकिस्तान के हालात ऐसे फ्यूचर में चलते रहने? उन्हें ट्रस्ट आ गया है कि पाकिस्तान ऐसे ही रहना है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। जबरदस्त अंकल जी, आप बताएं जैसे G7, मतलब आपको सात अल्फाज में कहता हूँ, दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर्स, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है G7 का, आप क्या ख्याल? देखो जी ये तो उसके टैलेंट के ऊपर है ना, अगर वो बन सकता है तो बन भी जाएगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जैसा मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है। देखा जाए और ये जो हमारे हुक्मरान की वजह से ना ये हम पीछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हमारे मुल्क में ना कानून की पासदारी नहीं है, और जिस मुल्क में कानून की पासदारी ना हो वो मुल्क बेकार है, वो मुल्क किसी काम का नहीं, वो कहीं भी नहीं जाने जोगा। अब देखो जो कानून बनाने वाले हैं वही कानून को तोड़ रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या, गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं, वो जो मर्जी अमीर आदमी जो मर्जी करता रहे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हुक्मरान जो मर्जी करते, जो हम जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम अपना जिम्मेदार बनाते हैं यानी कि उनको सरबरा बनाते हैं, लेकिन वो हमारे से क्या करते हैं, वो आखिर अपना मुफाद करने कानून को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, अदालतों को तोड़ते हैं। या डाल देखो खुदा के बाद ना, सिर्फ मुल्क में किसी भी मुल्क में खुदा के बाद इंसाफ करने वाली कौन होती है? अदालत, सुप्रीम कोर्ट। जब हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत नहीं होने देंगे तो हम किसका क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। कोर कमांडर हाउस में वाकया पेश हुआ और हमारे जो उनसे लीडर थे बड़े बड़े, जो उनसे कह लें जो हमारे हीरोज थे, उनके जैसे किसी का जहाज को डैमेज किया गया, किसी के घर को जना हाउस को डैमेज किया गया, हम यहाँ पे अपने हीरोज के जो निशानियाँ हैं उन्हें डैमेज कर रहे हैं। और इंडिया के जो अगर उनकी बात करें गांधी जी की, तो उनके मुजस्मे को जापान में लगाया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है। मतलब यहाँ से हमारी सोच और हमारी वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट और हमारे का आइडिया होता है कि नहीं? देखें मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी आर्मी है माशाल्लाह, वो आप देखते हैं कि इंटरनेशनली उसका हमारी ब्रेव है, आर्मी बहुत अच्छी है,
लेकिन आर्मी को चाहिए कि सिर्फ अपना काम करें और वो क्या करें, मुल्क में आने वाली मुश्किलात का खत्म करें, पॉलिटिक्स में ना आए, ठीक है ना। क्यों, एक वाहद इदारा आर्मी है जिसकी हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे, या हम छोटे थे तो हम ये कहा करते थे मैं आर्मी च जाना है, मेरे बच्चे हैं यार तेनों आर्मी च कराना है। अब देखिए आर्मी एक बहुत पाक और साफ इदारा, बहुत पाक और साफ इदारा है जिसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। वो लोग जो अपने माओं बहनों बच्चों को छोड़ के हमारे लिए बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, वो जवान उनकी ड्यूटी है ना वैसे। ड्यूटी देखिए, ड्यूटी हम सबकी है, वी आर ऑल पाकिस्तानी, ड्यूटी हम सबकी है। लेकिन देखिए हम उन्हीं को अगर गाली गलौज करेंगे, उन्हीं को गंदा बोला करेंगे, वो इस तरह है क्योंकि करते हैं कि पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर की करे ना करे पाकिस्तान के साथ इज्जत करते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की करेंगे तो पाकिस्तान की होगी ना, प्राइम मिनिस्टर की करते हैं क्या। अभी कोई हमें दावत दे रहा है क्या, हमें कोई किसी मीटिंग के अंदर बुलाता है कि आओ आके हमारे साथ मीटिंग कंडक्ट करो, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ अच्छे बेनिफिट्स के साथ ताल्लुकात बनाओ, क्या ऐसा है? नहीं ऐसा तो है ना, क्योंकि कोई जो भी बुलाया गया तो लाजमी जाएंगे। सर कौन बुला रहे हैं? बहुत मुल्क ऐसे हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, अपने सर अभी तो कोई भी नहीं बुला रहा, अभी नहीं बुला रहा, अभी नहीं, क्यों नहीं बुला रहा? मैं भी यही कह रही हूँ कि अभी की करंट, मैंने पहले ही कहा करंट सिचुएशन में देखो अभी, यानी कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब से भी होके आया है, फिर इधर यूएई में भी होके आया है, और मुल्क में सर कैसी रिस्पेक्ट मिली है उन्हें? दो दिन पहले ईरान के साथ यानी कि बॉर्डर पे उनकी मीटिंग थी, उधर भी हो गया, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हालात है पाकिस्तान के ऐसे हैं तो सर कैसे रिस्पेक्ट मिली है, मैं यही तो पूछ रही हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर जाता है उसे ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है आगे से कि दुनिया देखती है। अभी ट्रेंड आज की ही न्यूज आपको बताने लगी हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ पर हमारे बिलावल भुट्टो गए थे उन्हें कैसे रिस्पेक्ट मिली थी सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है, एक एक शहरी जानता है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के नरेंद्र मोदी इस टाइम पपुआ में गए हैं, कंट्री में गए हैं, उधर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें झुक के उनके पाँव झुक के उन्हें मतलब इमोशनल होकर उनका इस्तकबाल किया। सर आज तक हिस्ट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसा, हमें तो कोई मतलब हाथ के गले भी नहीं लगाता। नहीं नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लगाता क्यों नहीं है? अभी तो कुछ जा ही नहीं ना रहा, जाएंगे तो गए ना। फॉरेन मिनिस्टर गए थे बिलावल भुट्टो इंडिया, उन्होंने तो हाथ भी नहीं मिलाया। एस जयशंकर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। उसने नहीं मिलाया, इन्होंने मिलाया। किसने मिलाया? बिलावल भुट्टो भी नहीं मिलाया, जब उसने नहीं मिलाया तो सर नमस्ते तो किया ना उनको, लेकिन उनका काम बनता था बिलावल भुट्टो एज अ गेस्ट गए। अब आपके अगर मिसाल के तौर पर कोई आता तो आप उठ के मिलते? इंडिया ने हमें नहीं बुलाया था, वो चाइना की यानी के हो रही थी, इसलिए यानी के बिलावल भुट्टो गए थे। इंडिया के यानी के वो इजलास नहीं था, इंडिया बुला रहा था। इंडिया ने बुलाया था, चाइना ने नहीं था बुलाया। इंडिया ने मीटिंग करवाई थी, एससीओ की मीटिंग थी, उसके अंदर सारी कंट्रीज इंडिया में गई थी। वो जो भी था ना वो सारी कंट्री गई थी, वो पहले इंडिया ने चाइना ने शुरू किया था। लेकिन जो कंट्री करवाती है उसकी कंट्री के अंदर होता है, चाइना के अंदर भी हुआ था, इंडिया के अंदर भी हुआ था, लेकिन इंडिया ने अपनी कंट्री के अंदर अपनी मीटिंग करवाई थी जहाँ पे सब गया। तो किस की वजह चाइना, देखो अभी यानी कि चाइना जो था जीत कंट्री का जन इजलास हो रहा है तो वो नहीं जा रहा चाइना, सऊदी अभी नहीं गया। हाँ नहीं अभी गया, सऊदी अभी नहीं गया, इसलिए वो चाइना गया तो पाकिस्तान गया, नहीं तो पाकिस्तान ना जाता। मतलब आज भी हम चाइना के मुख्ताज हैं? वो हमारा पड़ोसी मुलाकात बात है, पड़ोसी तो बड़े, ईरान भी है, सऊदी भी है, इंडिया भी है, सब पड़ोसी है, पड़ोसी का क्या? वो तो आपकी बात ठीक है, बहरहाल चाइना जो हर दफा हमारे साथ यानी कि कंधे पे कंधा मिला के चला, जब भी हमें कोई मुश्किल होती है यूएन में वो वीटो कर देता है। पाकिस्तान की पब्लिक की इस टाइम क्या सोच है, पाकिस्तान अगर ओवरऑल बात करें पाकिस्तान का क्या विजन है, और हमारा नेबर कंट्री अगर इंडिया की बात करें उसकी क्या सोच है, क्या विजन है, वो कैसे डेवलपमेंट में आगे जा रहा है? G7 मीटिंग की बात करें, G7 का भी शायद मेंबर बनने जा रहा है, जैसे 2-3 दफा इनवाइट कर चुके हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को, और हम कहाँ पे खड़े हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं, क्या कहेंगे? आप बखूबी जानते हैं कि हमारे मुल्क की हालात बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, वो इनकी हुरा कुश्ती में ये एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अवाम की तरफ को देख नहीं रहा, अवाम का जीना मुहाल हो गया है। आपको पता है पाकिस्तान की मईशी हालत जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, आपके सामने ही, हालांकि बांग्लादेश इन्हीं की गलतियों की वजह से ना वो अलहदा हो गया, इन्हीं की गलतियों की वजह से, इन लीडरों की गलतियों की वजह से अब वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला गया। इंडिया जो कि आज से चंद साल पहले हमसे मतलब 2-3 रुपये पीछे था,
अब वो 2-3 रुपए आगे चला गया। 2-3 रुपए किस चीज में पीछे था? करेंसी उनकी, करेंसी में वो हमारी करेंसी भारी थी, उनकी जो है ना वो उसमें नहीं थी। ठीक है, भारी नहीं, इक्वल कह सकते हैं, इक्वल थी या बहुत साल पहले की बात है। अगर कुछ टाइम आप कब की बात कर रहे हैं, 2010 की, 2000 की, 1990? मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, तब भी पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से ज्यादा थी। अभी इन हालात में आप देखें कि आपकी करेंसी किस जगह पे चली गई है, चीज़ें कहाँ पे चली गई हैं, वो लोग जो रेंट पे रह रहे हैं उनका क्या हाल है, वो जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि उनकी सोच में क्या ऐसा फर्क है हमारी सोच में, क्या उनकी लीडर, इसकी वजह ये है कि हमारे जो लीडरान हैं जो ईवान में बैठे हुए हैं, वो बजाय कि अवाम की तरफ तवज्जो दें, वो अपनी मतलब के नुमाइंदगी की तरफ, अपनी हुरा कुश्ती की तरफ और अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ लगे हुए हैं। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जैसे उन्होंने, इन्होंने ही बोला कि कुछ साल पहले तक जो उनसे अगर डेवलपमेंट की बात करें, मेरे मुताबिक ये था कि इक्वल थी और बहुत साल पहले 1970s में इक्वल थी, तो उसके बाद तो इक्वल नहीं थी। अच्छा, तो अब उनकी सोच में हमारी सोच में क्या फ़र्क है? इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक रिस्पेक्ट या उनकी एक वैल्यू, उनकी वर्थ है, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोजीशन? हमारी ये पोजीशन है, हम बड़े पीछे चले गए हैं। वजह क्या है? दुनिया की वजह से। हमारे ये जो हुक्मरान है ना, ये सलूक से नहीं बैठ रहे, ठीक है, इनमें सलूक होए फिर ये बैठते हैं, फिर ये मसले हल होते हैं। ठीक हो गया। इस पे क्या अंकल जी कहना चाहेंगे कि उनकी सोच में? सवाल एक ही है सिंपल सा, मैं पब्लिक की ओपिनियन जानना चाहता हूँ और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ सेक्टर के जो लोग हैं, उनसे बात करके क्या आप समझते हैं कि उनकी सोच में, इंडिया वालों की सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, उनकी सोच में हमारी सोच में बड़ा फ़र्क है। पहले हमारी सोच अच्छी थी, हम आगे जा रहे थे, लेकिन अब जो ये हुक्मरान आपस में ब्लैकमेलिंग करते हैं, करप्शन वगैरह के लोग काफ़ी आ गए हैं मुल्क में, ये जो आ गए, इन्होंने ना जो हमारा करेंसी को ना कम कर दिया है। ये अगर अपना पैसा सही तरीके से पैसा काम पे लगाएं, कारोबार में लगाएं या मुल्क पे लगाएं सही तरीके, ईमानदार से, तो हम अब भी आगे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो उनसे हैं ना, जो मौजूदा हुक्मरान थे जो गुजर गए, उन्होंने इस तरह सोचा नहीं है। अब इसकी वजह से ना इंडिया हमारे से काफ़ी बेहतर हो गया है।